तो कैसर अब यार बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और मुझे जाना है अपने घर पे। इन पहाड़ों में मैं फंस चुका, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा अपने घर जाने का। सामने मुझे लॉस सैंटोस दिख रहा है और मैं पता नहीं कहां पर घूम रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, लगता है मैंने गलत टर्न ले लिया। मुझे वापस से पीछे जाना चाहिए, इस वाले रास्ते से आ रहा था, अब इस वाले रास्ते से। एक सेकंड, अरे तो सेम ही रास्ता है, ये क्या कर रखा है, मुझे तो समझ भी आ रहा। चलो गाइस फटाफट से घर पे चलते, पता नहीं कितनी देर से मैं इधर रास्ते में घूमे जा रहा हूँ। इतनी ज्यादा रात हो रखी है, मुझे डर और लग रहा है मैं क्या करूँ। एक सेकंड, ये क्या है? अरे गाइस सामने कुछ ना कुछ तो लाइट जल रही है, क्या चीज है यहाँ पे? एक सेकंड, ये तो कार है। ये आप यहाँ पे कार क्या कर रही है? तो गाइस अभी आप देख सकते हो जंगल में मैं यहाँ से घूम रहा था और यहाँ पे एक कार खड़ी है। इसके अंदर कोई है क्या? इसके अंदर भी कोई नहीं है, आसपास कोई है क्या? हेलो हेलो, अरे किसकी कार है ये? अरे गाइस आसपास भी कोई नहीं लग रहा और गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। क्यों ना इस गाड़ी को मैं चले चलूं? क्या इसका लॉक खुला हुआ है? अरे लॉक भी खुला हुआ है। अरे गाइस इस गाड़ी का तो लॉक भी खुला हुआ है। ओ भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, मैं तो इसको घर पे लेके जा रहा हूँ और अपनी बाइक को अपनी कार के ऊपर रख लेते हैं। तो गाइस अपनी बाइक को अपनी कार के ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। और ये कितनी ज्यादा खतरनाक कार में मिल चुकी है फ्री में भाई, जंगल में ऐसे पड़ी थी, मैं तो इसको सीधा लेके घर पे। और इसमें यार गूगल मैप्स भी है तो मैं घर पे भी आराम से पहुंच जाऊंगा पूरा का पूरा रास्ता देख के। चलो गाइस यार फटाफट से घर पे चलते हैं, आखिरकार मैं घर पे पहुंच पाऊंगा। तो गाइस यार फाइनली उस गली में मैं आ चुका हूं जहां पर मेरा घर है और मेरा घर भी यहां पर आ चुका है। चलो गाइस यार फटाफट से इस गाड़ी को अपने गैराज के अंदर खड़ी कर देते हैं। ये हमारी मस्त मस्त नई नई गाड़ी आज से हमारे गैराज के ऊपर रहने वाली है और इस बाइक को ऊपर से उतार देता हूं। और गाइस यार हमारा काम हो चुका है और मैं जा रहा हूं सोने, मुझे यार बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है और रात भी बहुत ही हो चुकी है। चलो बड़ा फट से सोने चलते हैं, मैं मिलूंगा आपसे सुबह। आखिरकार मैं किसी नए घर में आ गई। जो लड़का मुझे यहाँ पर लाया है उसको लगता है मैं एक नॉर्मल कार हूँ, पर उसको नहीं पता आज के बाद उसकी पूरी जिंदगी खराब होने वाली है। आज तक जितने जनों ने भी मुझे अपने घर पर रखा है उनमें से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, और अब इस फ्रैंकलिन की बारी है। ही ही ही। चलो लॉस सैंटोस पे घूमेंगे और लॉस सैंटोस भी तबाही मचाएंगे। ही ही ही। क्योंकि लॉस सैंटोस में ईविल कार आ चुकी है। ही ही ही। मैं शुरुआत करने वाली हूँ इस टकले और इसके कुत्ते से। ए टकले कुत्ते तैयार हो जाओ, मैं तुमको उड़ाने वाली हूँ। अरे ये कौन सी गाड़ी है, इसके अंदर तो कोई बैठा भी नहीं है, लगता है कोई ऑटोमेटिक कार आई है। ऑटोमेटिक कार आई है और ये कार तो उड़ाने वाली है। ही ही ही। पहला टारगेट को तो उड़ा दिया, चलो दूसरे लोगों को ढूंढते हैं। आज मैं सबकी जिंदगी बर्बाद करूंगी और नाम आएगा फ्रैंकलिन पर। ही 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 ही। मुझे सामने बहुत सारे लोग दिख रहे, चलो इनको उड़ाते हैं। ये लो, सबको उड़ा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। टैक्सी वाले हट जा, इस पूरे लॉस सैंटोस में अब सिर्फ मेरा ही नाम होगा। ही 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 ही। ही ही ही। सामने से पुलिस आ रही है, मैं पुलिस वालों को परेशान करती हूँ। ये ले, लॉस सैंटोस पुलिस, रुक जाओ रुक जाओ। ही ही ही। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं पुलिस वालों को बहुत तंग करने वाली हूँ। ये लो, आ जाओ आ जाओ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। लॉस सैंटोस पुलिस, जो भी गाड़ी के अंदर रुक जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ही ही ही। पकड़ के तो दिखाओ मुझे। रुक जाओ, हम तुम्हारी चेकिंग करेंगे। दारू पी के गाड़ी चलाते हो, शराब नहीं आती, पुलिस वाले को भेड़ते हो। तुम्हारी गाड़ी में इतने सारे खून के निशान है, गाड़ी तुमने ठोक दी है, लगता है बहुत लोगों को ठोक के आए हो। बाहर निकलो बाहर निकलो। ये क्या, इस गाड़ी में तो कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है, इस गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, इस गाड़ी में कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है, गाड़ी में कोई कैसे नहीं है? ये देखो मैं गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ, इस सीट पर कोई नहीं बैठा। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, ये कोई ऑटोमेटिक कार लगती है। अरे ये क्या, ये गेट अपने आप कैसे खुल गया, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये गाड़ी तो चलने लग गई, इस गाड़ी में तो कोई नहीं है, ये गाड़ी कैसे चल रही है? अब इन पुलिस वालों को बताती हूँ मैं कौन हूँ। ये लो पुलिस वालों, ये तू भी ले। अरे ये क्या हो रहा है, ये गाड़ी चल कैसे रही है, इसमें तो कोई नहीं है। तुम कभी बता नहीं लगा पाओगे। बाय बाय। पूरे लॉस सैंटोस को परेशान करके मैं वापस से फ्रैंकलिन के घर जाऊंगी। चलो वापस से चुपचाप से फ्रैंकलिन के घर पे जाके खड़े रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कुछ हुआ भी था कि नहीं। तो
गाइजर अभी सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और मैं जाके देखने वाला हूँ अपनी नई नई गाड़ी को। रात के अंधेरे में इतनी अच्छे से दिख नहीं रही थी, पर सुबह अपनी नई नई गाड़ी बहुत ही मस्त होने वाली, फ्री की गाड़ी मिल गई यार, मजे ही आ गए। एक सेकंड, ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है? हाँ मेरा नाम फ्रैंकलिन है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है? मेरी गाड़ी अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? जो तुम्हारे पास ब्लैक कलर की गाड़ी जिसमें आके वो कहाँ पर है? अच्छा वो तो यहाँ पर है। अरे गाइजर लगता है मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, मैंने किसी की गाड़ी ऐसे उठा ली, मेरी तो खैर नहीं होने वाली। सॉरी अंकल मैंने इस गाड़ी को चुराया, आप लेके जाओ मुझे नहीं चाहिए। अरे लड़के क्या बोल रहे हो, इस गाड़ी ने कल 5 लॉस सेंटोस वासियों को और एक पुलिस वाले को मार दिया, और हमारा एक पुलिस वाला अभी तक हॉस्पिटल में है। क्या मेरी गाड़ी ने मार दिया? अरे क्या बोल रहे हो, तुम्हारी गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है क्या? ऑटोमेटिक? अरे गाड़ी ऑटोमेटिक कैसे चलेगी? तुम कल रात को कहाँ पर थे? कल रात को मैं तो घर पे था, मैं तो आराम से सो रहा था। तुम्हारी ये जो गाड़ी है इसने कल 5 लॉस सेंटोस वासी और एक पुलिस वालों का मर्डर किया है, और जब हमने गाड़ी में चेक किया तो इस गाड़ी में कोई नहीं था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इस गाड़ी में कोई कैसे नहीं था? रुक जाओ मुझे देखने दो। अरे कैसे रे पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? बोल रहे गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही थी। अरे ऑटोमेटिक गाड़ी तो बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है। इस गाड़ी ने 5 मर्डर किए, लॉस सेंटोस के बड़े बड़े खंभे तोड़े, लॉस सेंटोस का बहुत प्रॉपर्टी डैमेज किया है। क्या प्रॉपर्टी डैमेज? अरे तुम देखो मेरी गाड़ी में एक स्क्रैच भी नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो लॉस सेंटोस के बड़े बड़े खंभे तोड़े, प्रॉपर्टी डैमेज करी है, तो इस पे एक स्क्रैच तो आना चाहिए। इस पे एक भी स्क्रैच नहीं है, ना ही कोई खून का निशान। 5 लोगों को कैसे मारा हो सकता है इसने? तुम्हारी बात तो सही है, इस पर तो कोई निशान नहीं है, पर कल रात को सेम गाड़ी पर निशान थे, नंबर प्लेट भी सेम थी। अरे अंकल मुझे लगता है आपने कोई सपना अपना देखा है, आप देख सकते हो कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अभी तो हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर हमें कोई भी प्रूफ मिला तो तुम अरेस्ट हो सकते हो। अरे मैं क्यों अरेस्ट हो सकता हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी गाड़ी ने भी कुछ नहीं किया है। ये पुलिस वाले भी ना फालतू में परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक जाके सबको मार के आ गई और इसमें एक भी निशान भी नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। मुझे शॉपिंग पे जाना यार, मैं तो जा रहा हूँ, चलो गाइस फटाफट चलते, आप भी अपने अपने घर जाओ, चलो गाइस अभी फटाफट चलते। ये लोग बोल रहे कि मेरी गाड़ी जाके सबको मार रही है, ऐसा कैसे हो सकता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो सबके सब पुलिस स्टेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है। इन पुलिस वालों को लगता है ये ऐसे बच जाएंगे, इनको मेरे ऊपर शक है और फ्रैंकलिन भी यहाँ पर नहीं है, ये लो। अरे ये क्या, ये गाड़ी तो अपने आप चलने लग गई, ये क्या हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझ पर शक करोगे तुम सबके सब मरोगे। निकल जाओ यहाँ से, इस घर को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे गाइस जल्दी जल्दी में मैं घर से पर्स लेना था, भूल ही गया, बिना पैसों के शॉपिंग कैसे करूंगा, चलो फटाफट से अपने घर पे चलते हैं। ये पुलिस वाला अभी तक गए नहीं क्या, उसकी गाड़ी मुझे दिखाई दी है, अबे तुम यहाँ से जाओ ना, यहाँ पे क्या चल रहा है? एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये सब मर कैसे गए? अरे यहाँ पर क्या चल रहा है, और मेरी गाड़ी तो अभी भी इधर ही खड़ी है। एक सेकंड, ये टायर के निशान तो इसी गाड़ी के लग रहे हैं, और ये सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पे मर कैसे चुके? अरे हेलो अंकल उठ जाओ, अरे ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं रहा, ये सब के सब मर कैसे गए? क्या ये सच तो नहीं कह रहे थे, ये गाड़ी सही में ऑटोमेटिक चलती है, इस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं बैठा और टायर के निशान तो इसी गाड़ी के हैं। क्या सच में ये कोई ईविल गाड़ी है जो कि अपने आप चलती है और लोगों को मारती है? मुझे समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ गाइजर, इससे दूर जाना चाहिए मुझे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है, गाइजर मैं इधर वेट करने वाला हूँ, यहाँ मैं चुपचाप छुप जाऊंगा इस गाड़ी के ऊपर, और इस गाड़ी को पता नहीं चलेगा मैं ऊपर हूँ, और यहाँ पर मैं रात होने का वेट कर रहा हूँ, देखते क्या ये गाड़ी ऑटोमेटिकली कहीं पर जाती है और लोगों को मारती या फिर नहीं। तो मैं रात होने तक यहीं पर वेट करने वाला हूँ, मुझे पता करना पड़ेगा इस कार की मिस्ट्री के बारे में। तो गाइस सर अभी यार रात हो चुकी है और मैं अभी तक इस छत के ऊपर चढ़ के बैठा हूँ, अभी तक वो गाड़ी बाहर नहीं निकली, मुझे नहीं लगता वो कोई ईवी कार, और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, पता नहीं कब आएगी, मैं तो इधर ही सो जाऊंगा यार, जल्दी कुछ हो जाए वरना मैं सोने जा रहा हूँ। फिर से रात हो चुकी है और फिर से टाइम आ चुका है लॉस सेंटोस को परेशान करने का। कल तो फ्रैंकलिन के घर पर पुलिस आई थी, आज मैं कुछ ऐसा करूंगी कि फ्रैंकलिन के घर पर पूरी मिलिट्री आएगी। अरे गाइजर ये क्या, फाइनली ये कार बाहर निकल चुकी है, इसके अंदर कोई भी नहीं बैठा, ये कहाँ जा रही है? उस फ्रैंकलिन को लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, उस फ्रैंकलिन को लग रहा है मैं एक नॉर्मल कार हूँ, पर उसे क्या पता मैं बहुत ही खतरनाक हूँ।
अरे काइजर वो गाड़ी तो निकल गई, रुक जाओ मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बैठो यहाँ से निकलते हैं। अरे काइजर मैं उस गाड़ी का पीछा करने वाला हूँ, वो गाड़ी पक्का इविल कार है, वो पता नहीं कहाँ पर जा रही है। मुझे अपना सबसे पहला शिकार मिल गया, मैं इस मोटे को नहीं छोड़ूंगी, ये ले मोटे। अरे अरे ये कौन सी गाड़ी है, अरे मुझे क्यों मार रही हो, इस गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं बैठा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मोटे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, इतना सारा खाना खाता है, ये ले मोटे। इसको तो मैंने मार दिया, आज मैं और भी बहुत सारे लोग मारूंगी, पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर दूंगी। अरे काइजर उस खतरनाक सी इविल कार ने अंकल को मार दिया, अभी फटाफट से एम्बुलेंस को फोन कर देता, वो इधर आ जाएंगे, जब तक मैं जाके यार कार को फॉलो भी कर लेते हैं। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार है, तो लोगों को मार रही है, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ उस गाड़ी के पीछे पीछे, और ये गाड़ी पता नहीं कैसे रुक चुकी है, वहाँ पर क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर चल रही है कार मीट, इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी गाड़ियाँ, मैं इन सारे लोगों को मारूंगी। अच्छा मैं आ गई। अरे ये कौन है, ये गाड़ी किसकी है, किसकी गाड़ी है ये? मैं किसी की गाड़ी नहीं हूँ, और मैं तुम सबको मारने आई हूँ। सबके सब मरोगे, निकल जाओ यहाँ से, सबके सब मरोगे। अरे इस गाड़ी में तो कोई नहीं बैठा, ये गाड़ी चल कैसे रही है? क्योंकि मैं हूँ इविल गाड़ी, और तुम सबको मैं तबाह करने आई हूँ, पूरे लॉस सैंटोस को तबाह करने आई हूँ। तो काइजर अभी आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है, वो इविल वाली गाड़ी सभी लोगों को मार रही है। मेरे पास आइडिया है, मैं इविल गाड़ी को भी खत्म कर सकता हूँ। देखो वैसे भी ये इविल गाड़ी सारे लोगों को तो मार ही रही है, तो लोगों को बचाने से अच्छा उसको ही खत्म कर देते, इसलिए मैं वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब फेंकने वाला हूँ। ये ले पूरे के पूरे मैं बॉम्ब फेंक दूंगा ताकि सबके सब ब्लास्ट हो जाए, और मैं यहाँ पे अपनी मिनी गन भी यूज करने वाला हूँ। तुम में से कोई नहीं बचेगा। और ये इविल गाड़ी का चैप्टर क्लोज। हेलो और गाइस, और अभी आप देख सकते हो सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो चुकी है, और जो भी बची उन सबको ही ब्लास्ट कर दूंगा, ये लॉक किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद कोई भी इविल कार इस लॉस सैंटोस में नहीं बचने वाली। ये लो सबको तबाह कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरी की पूरी कार जला दूंगा, कोई भी गाड़ी नहीं बचेगी, ना ही वो इविल कार ना ही कोई और सी कार। ये लो तो गाइस मैंने यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय कर दी है, आप देख सकते हो एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं बची, एक बची इसको फटाफट से फोड़ देते, इसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमने सारी की सारी कार डिस्ट्रॉय कर दी, और इस इविल कार की कहानी खत्म हो गई। ये इविल कार चाहती थी कि लॉस सैंटोस पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल दे, पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इविल कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और मैं जाने वाला हूं अपने घर पे जाके आराम से सोएंगे। और ये फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, इनको भी डिस्ट्रॉय कर देते ताकि ये इविल कार को ना बचा पाए। तो काइजर मैं तो जा रहा हूं अपने घर पे। इस फ्रैंकलिन के बच्चे को लगता है मैं इतनी आसानी से खत्म हो जाऊंगी, पर इसको नहीं पता मैं इविल कार हूँ लॉस सैंटोस से, लॉस सैंटोस की सबसे खतरनाक इविल